हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री कराऊंगा। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूंगा आज की एक ही वीडियो में। इससे पहले इंडियन पॉलिटी मैंने आपको करवाया था, इंडियन पॉलिटी एक ही दिन में पूरी कंप्लीट करवा दी थी, जिसमें इंडियन पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सभी करवाए थे। अगर मैं यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, वो सब कुछ जो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये नोट्स बनाए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इससे पहले भी हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा। जहाँ पे हम स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जहाँ से आपको पता भी होना चाहिए और जहाँ से क्वेश्चन भी आपके आते हैं। इसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, तो इसमें हम पढ़ते हैं 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। देखो कई सारे बुक्स आप पढ़ोगे, सभी बुक्स में डिफरेंट डेट्स हैं, किसी में कुछ डेट गिवन है, किसी में कुछ डेट गिवन है, बट जो सबसे एक्यूरेट मानी गई है डेट कार्बन 14 डेटिंग के अकॉर्डिंग, वो यही है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। अब BC का आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। सिंपल टर्म्स में कहा जाए, जैसे आज 2019 है, ठीक है, कभी एक टाइम ऐसा भी होगा जब 2000 वाला ईयर रहा होगा, कभी एक टाइम ऐसा भी होगा जब 1000 फिर 500 वाला रहा होगा, इसी तरह से कभी एक ऐसा टाइम भी रहा होगा जब 1 होगा या 0 होगा। अब 0 से जो पहले का टाइम है, 0 से 1 साल पहले होगा हम उसे 1 BC कहेंगे, 0 से 5 साल पहले होगा हम उसे 5 BC कहेंगे। अब ये 2500 क्या है, 0 से 2500 साल पहले। तो अब आपको समझ आएगा कि BC का मतलब क्या है, कि हम कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। ये हम इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड में हम हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ते आज हैं, बट उस टाइम पे इसके बारे में ये टाइम पीरियड था उसका। अब इसके बारे में पता कैसे लगा था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, जब उन्होंने रेलगाड़ी जो हम कहते हैं ट्रेन की पटरियाँ वगैरह वो बिछाना स्टार्ट की थी, तब उन्हें कुछ चीज़ें मिली थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने खुदाई करना और स्टार्ट किया, जहाँ से हमें इन सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा। अब हम बात करें सिविलाइजेशन के बारे में, तो ये कौन सी एज थी, ब्रॉन्ज एज को बिलोंग, चैल्कोलिथिक, जिसे हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, 4-5 ऑप्शन थे वहाँ पे, ब्रॉन्ज एज जो है उसका करेक्ट ऑप्शन था। इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो देखो कौन से एरिया में ये थी, तब आज के टाइम पे अगर हम बात करें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और कुछ पार्ट्स हैं वेस्टर्न यूपी के, इन एरियाज़ में थी हमारी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। जब हमने इसकी एक्सकवेशन की, खुदाई की, तब हमें मेजर साइट्स जो हमें मिली उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम पाकिस्तान में बात करें, पाकिस्तान में हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानूदारो, ये इंपॉर्टेंट साइट्स मिली, और इंडिया की बात करें लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, बनावली, ये इंपॉर्टेंट साइट्स मिली हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कि हड़प्पा कौन सी साइट, मतलब कहाँ पे मिली थी, पाकिस्तान में मिली थी। अब इस पर एक चार्ट है, वो कुछ देर में समझाऊंगा, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की बात करते हैं। जब भी अपने घर बनाते थे तो उसमें जो ब्रिक्स यूज़ करते थे, मतलब बनी हुई ब्रिक, पक्की जो ईंटें होती हैं ना उसको यूज़ करते थे, अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स को ये यूज़ किया करते थे। हम कब की बात कर रहे हैं, 0 से 2500 साल पहले, यानी कि आज से आप कह सकते हो 4.5 या 5 हज़ार साल पहले की बात कर रहे हैं, वो जब घर बनाने के लिए ब्रिक्स यूज़ करते थे, वो अच्छी क्वालिटी की थी, और उनके जो घर होते थे तब 2 या फिर मोर स्टोरी, या फिर जैसे हम आज के टाइम में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं, उस तरह के वहाँ पर घर होते थे उस वक्त। जो उनके बाथरूम्स थे उनमें टाइल्स लगी थी, ड्रेनेज सिस्टम उनका अच्छा था। देखो कम काफ़ी टाइम पहले की बातें कर रहे हैं। तब जो टाउन्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। देखो एक पार्ट हमारे पास रहता था सिटाडल, जिसे हम अपर पार्ट भी कहते थे। यहाँ पर क्या होता था, कुछ हाइट में घर होते थे, जैसे एक प्लेन लेवल मान लो, एक पहाड़ी इलाका मान लो, इस तरह से आप मान सकते हो। तो एक हाई लेवल पे घर थे जहाँ पे, जिसे हम सिटाडल कहते थे। वहाँ पर एक्चुअली में क्या होता था कि जो भी जैसे रिलीजियस बिल्डिंग्स होगी, वर्कशॉप्स होगी, या कोई बड़े इंपॉर्टेंट लोग हो गए, जैसे अगर आप राजा मान के चल सकते हो, वो लोग वहाँ पर रहते थे। लोअर पार्ट की बात करें, वहाँ पर जनरली लोग वहाँ पर रहा करते थे, सिंपल जो लोग हैं वो वहाँ पर रहा करते थे लोअर पार्ट में। अगर हम मेन क्रॉप्स की बात करें, ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेन क्रॉप्स कौन सी थी, वीट हो गया, बारले और राइस, ये इनकी मेन क्रॉप्स थी। बाकी बात करें मस्टर्ड, डेट्स, कॉटन, राई, ये सारी क्रॉप्स भी वहाँ पे थी। अब वहाँ पे जो वेट या मेजरिंग करने के लिए हम यूज़ करते थे सिस्टम हड़प्पन कल्चर में, वो बड़ा ही एक्यूरेट था। हम पत्थर जैसे आज यूज़ करते हैं, उसी तरह से एक्यूरेट सिस्टम था पूरा मेजरमेंट का। जो लोग थे वहाँ पे वो ऑर्नामेंट्स, औजार के बड़े शौकीन थे। वहाँ पे किसी भी तरह का कोई मंदिर हमें नहीं मिला खुदाई करते वक्त। और कई सारे, हाँ इतना है कि कई सारे ट्रीज, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, एनिमल की बात करें बुल हो गया, बर्ड्स की बात करें डव हो गया, पिजन हो गया, स्टोन्स की बात करें इनकी वर्शिप, इनकी पूजा की जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइप में। वहाँ पर जो स्क्रिप्ट थी वो कैसी थी, देखो स्क्रिप्ट का स्टाइल, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, बोस्ट्रोफाइडन स्टाइल से कहा जाता है। इसमें क्या था, एक्चुअली में पिक्टोग्राफिक था ये, मतलब कि पिक्चर्स की हेल्प से, जैसे आज हम लिखते हैं ना वर्बली वर्ड्स लिखे हुए हैं हमने, ऐसा नहीं था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं था,
पिक्टोग्राफिक था, यानी कि पिक्चर्स की हेल्प से वहाँ पे लिखा जाता था। क्या होता था कि जैसे एक पिक्चर यहाँ से लेफ्ट से राइट गए, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ आते थे, इस तरह से वहाँ पे स्टाइल था बोस्ट, इसको कहा जाता है बोस्ट ऑफन स्टाइल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स जो थी, मैंने आपको बताया वहाँ पे जैसे हड़प्पा थी, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा की जब हमने खुदाई की तब हमें वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट मिला, जैसे वहाँ पे हमें 6 ग्रेनरीज मिली थी एक ही रो में। ग्रेनरीज मतलब जहाँ पे आप अनाज वगैरह स्टोर कर रखते हो, वो हमें मिली थी, 6 ग्रेनरीज मिली थी एक ही रो में लगी हुई, ठीक है। उसके बाद हमें डाइस मिले थे, कुछ कॉपर के बने हुए मिरर मिले, वीट और बार्ले वहाँ पे मिले थे हमें, किसी लकड़ी के मोटार में स्टोर किए हुए थे। एक हमें सिंबल मिले स्टोन के, पत्थर के सिंबल मिले लिंगम और योनी के। आगे हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, कि यहाँ पर हमें क्या क्या मिला। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आपको 6 ग्रीनरीज इन रो कहाँ पर मिली थी, कुछ साइट्स के नाम दिए होंगे आपको, हड़प्पा वहाँ पे टिक कर देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलता हूँ इसका नाम, क्योंकि सबसे पहली साइट जो हमें मिली थी हड़प्पा मिली थी, इसी कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, यहाँ पे हमें ग्रेट ग्रेनरी, एक बहुत बड़ी ग्रेनरी मिली थी। ग्रेट बाथ मतलब स्विमिंग पूल की तरह कह सकते हो, जहाँ पे लोग कुछ रिलीजियस फंक्शंस होते थे या कुछ रिलीजियस चीज जिसके कारण वहाँ पे लोग नहाने जाते थे, तो ग्रेट बाथ भी हमें मोहनजोदड़ो में मिला। पशुपति महादेव की सील मिली, डांसिंग गर्ल मिली, ब्रॉन्ज का स्टैचू था जो गई, एक किंग थे उनका प्रीस्ट मतलब वो मिला था, उनको दाढ़ी थी काफ़ी ज़्यादा, उनका स्टैचू मिला था कैसे कह सकते हो। ह्यूमन के स्केल्टन्स कुछ मिले, मेसोपोटामिया के सील मिली, जिसके हमें पता लगता है कि वो लोग जो यहाँ पे ट्रेड भी करते थे, दूसरे देशों से ट्रेड करते थे। आगे हम बात कर लेते हैं चानोदारो की। चानोदारो एक ऐसी सिटी थी जिसमें सिटाडल नहीं था, हमने बात की ना जो भी टाउन थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड थे, अपर पार्ट जिसे सिटाडल कहते थे, लोअर पार्ट। चानोदारो में हमें किसी तरह का सिटाडल नहीं मिला, वहाँ पे इंक पॉट हमें मिली, लिपस्टिक हमें मिली, एक बुलक कार्ट का मॉडल हमें मिला, कुछ ऑर्नामेंट की जो मेकर शॉप जो जहाँ पे शॉप वगैरह बनती थी, वर्कशॉप कह सकते हो, वो हमें मिली है। लोथल की बात करो, वहाँ पे डॉक यार्ड मिला, यानी कि वहाँ पे समुद्र के लोग वहाँ पे समुद्री रास्ते वहाँ पे व्यापार करते होंगे तभी मिला था। डबल बुरेल मतलब एक ही जगह मिलती जहाँ पे दो लोगों के इकट्ठे दफनाया हुआ था। कुछ सील्स भी वहाँ पर हमें मिली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और बताऊँगा अभी, उससे पहले चलो बता देता हूँ पहले दो चीज़ें जो है हमारे पास। कालीबंगा की बात करें, वहाँ में क्या मिला, देखो फील्ड सरफेस मिली जो प्लफ्ड थी पूरी तरह से, फायर अल्टर मिले, कुछ डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली थी, व्हील्स मिले थे टॉय कार्ट के, मेसोपोटामिया की सील मिली थी जैसे पहले मैंने देखा। बनावली में देखें यहाँ पे चेस बोर्ड, जैसे आज के टाइम पे हम लूडो खेलते हैं वैसे वो खेला करते थे, शौकीन थे उन चीज़ों के, वह हमें मिला। ड्रेनेज सिस्टम की वहाँ पे कमी मिली हमें बनावली में, ऐसा अच्छा था ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ कमी मिली। फिर क्ले फिगर्स मिले थे मदर गॉडेस के। यहाँ पे देखो धोलावीरा में क्या मिलता है, एक यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला था, स्टोन वाटर ड्रेनेज सिस्टम मिला था, एक बड़ा सा कुआं मिला था, एक बाथ मिला था, ठीक है। ये अकेली ऐसी साइट जो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी। उसके बाद अगर हम बात करें, एक स्टेडियम भी मिला था यहाँ पे। उसी तरह से सुरकोटा की बात करें, यहाँ पे कुछ घोड़े की हड्डियाँ मिली, ओवल की ग्रेव मिली एक ओवल शेप की, पॉट ब्रिल्स मिले। देमाबाद की बात करें, यहाँ पे ब्रॉन्ज की इमेजेस मिली थी, चैरेटर की चैरेट के साथ, ऑक्स एलिफेंट ट्रेनोसोरस की कुछ इमेजेस मिली थी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पीडीएफ का लिंक अगर आप बोलोगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक ये चार्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे था, वो रावी नदी के किनारे था, ये चीज़ याद रखना। और कौन सी कंट्री थी, पाकिस्तान में। देखो हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, चानोदारो की बात करें, ये तीनों कहाँ पे, पाकिस्तान में। और बाकी लोथल, कालीबंगा, बनावले, धोलावरे की बात करें, ये सारे इंडिया में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, इससे पहले हड़प्पा की हमने बात की, हड़प्पा कहाँ पे मिला आपको, रावी नदी के किनारे। इतना क्लियर हो गया, हड़प्पा कहाँ पे मिला, रावी नदी के किनारे, और ये कौन सी कंट्री में, पाकिस्तान में। अब इसके एक्सकवेटर कौन थे, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी एक्सकवेशन किसने स्टार्ट की थी, कौन ज़्यादा इसमें जिसका योगदान रहा, ऐसे कह सकते हो आप। तो सबसे पहले नाम बता, दयाराम साहनी जी का, ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर माधव स्वरूप भी आता है यहाँ पे, व्हीलर भी आता है, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। मोहनजोदड़ो की बात करें, इंडस नदी के किनारे मिला, ठीक है, कंट्री पाकिस्तान आपको बताया। कौन थे, रखलदास बनर्जी, मैके और व्हीलर। फिर हम बात करें चानोदड़ो की, ये भी इंडस नदी के किनारे पाकिस्तान में, मैके और एनजे मजुमदार, ठीक है। लोथल की बात कर लो, ये बोगावा नदी, इंडिया, एस आर राव इसके फाउंडर थे। कालीबंगा की बात करें, घग्गर नदी, राजस्थान, ओ सॉरी इंडिया में, ये भी इंडिया, ये भी इंडिया। बनावली भी घग्गर नदी और कालीबंगा भी सेम, यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अगर बनावली की बात करें, आर एस बिष्ट थे, धोलावीरा की बात करें, जेपी जोशी थे, लूनी नदी के किनारे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, यहीं से क्वेश्चन आने आपके, बाकी तो सिंपल स्टोरी है, वो चाहे आप समझो या ना समझो। आगे बात कर लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं वैदिक एज के बारे में, ठीक है। वैदिक एज की बात करें, दो पार्ट्स में डिवाइड है। देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, आज आप सिर्फ वीडियो देख लो,
उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम क्या करना, सेकंड डे जब आप वीडियो देखोगे तब आप पेन और एक नोटबुक लेके साथ में बैठ जाना, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लेना, ताकि जब भी आपको रिविजन करनी हो अपने नोट से करो, अपने नोट से करोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। और कोशिश करना कि इसको जैसे आज रिवाइज़ किया एक बार 4-5 दिन के बाद फिर रिवाइज़ किया, फिर 2 हफ्ते के बाद रिवाइज़ किया, फिर महीने के बाद, फिर 2 महीने के बाद, इस तरह से करते रहोगे आप कभी नहीं भूलोगे। अब हम वैदिक एज की बात करते हैं। वैदिक एज मतलब यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हमारे पास अर्ली वैदिक पीरियड जिसे हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, और एक है हमारे पास लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड की बात करें 1500 BC से लेकर 1100 BC, और लेटर की बात करें तो 1100 BC से लेकर 500 BC। देखो हम यहाँ पे जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हम पहले पढ़ेंगे अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, जिसे ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं। अब अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी वक्त हमारा ऋग्वेद लिखा गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो आर्यंस थे जो यहाँ पर, एक्चुअली में क्या था, ये आर्यंस ही आए थे, आर्यंस के बाद ही हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आर्यंस जो थे वो छोटे छोटे ट्राइब्स में बंटे हुए थे, जिनको जना भी कहते थे। यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे जना किसको कहा जाता है, ठीक है। जो भी चीज़ें लिखें टू द पॉइंट लिखें, इंपॉर्टेंट लिखें, आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। अब जितनी भी ट्राइब्स थी उनका एक चीफ होता था, या जिसे हम किंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिसको कैसे सिलेक्ट किया जाता, उसने कोई ब्रेवरी वाला काम किया होगा, बहादुरी वाला काम किया होगा, तभी हम उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट क्या करेंगे, सिलेक्ट करते थे वो, ठीक है। कुछ कॉमन इश्यूज डिस्कस करने के लिए और किंग को एडवाइस करने के लिए वहाँ पे 2 तरह की असेंबलीज थी। जैसे आज हमारे पास प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको उनके साथ क्या पूरी टीम है जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, वैसे ही वहाँ पे क्या था, किंग को एडवाइस करने के लिए 2 हमारे पास असेंबलीज थी, एक थी सभा एक थी समिति। सभा में क्या था, जो एल्डर बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे और इम्पोर्टेंट जो लोग थे वो रहते थे, और समिति में हर एक फैमिली का एक मेंबर ज़रूर होता था। तो ये सारे जो भी इश्यूज डिस्कस करने थे, किंग को किंग की हेल्प करने, तो ये सारे वहाँ पे काम करते थे, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट जो थी सोसाइटी की थी, उसे हम कुला कहते थे या फिर फैमिली कहते थे। जैसे हम आज बोलते हैं ना कुला है, स्कूल का, वो स्कूल का था। सबसे छोटी यूनिट सोसाइटी की कुला थी, जिसे फैमिली भी कह सकते हैं। फैमिली जो है वो पैट्रियार्कल थी, यानी कि वहाँ पे मेल की जो है वो, जो भी सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा उसे माना जाता था, और उसे गृहपति भी कहा जाता था। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि मेल है तो वुमेन डोमिनेंस है, वुमेन को भी जो है इक्वल राइट्स थे वहाँ पे, वो भी एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में थी। जो भी कोई भी रिलीजियस फंक्शन होगा अगर वहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेट करती है, तो उसको इंपॉर्टेंट माना जाता था और ज़रूरी माना जाता था, और अच्छा भी माना जाता था। वहाँ पे चाइल्ड मैरिज नहीं थी, हम बात कर रहे हैं अर्ली वैदिक एज की, ठीक है। कोई भी विडो है, विधवा है, उसे दोबारा शादी करने की इजाज़त दी गई थी, अलाउ किया जाता था। आर्य जो सिंपल खाना खाते थे, ज़्यादातर वो क्या प्रेफर करते थे, मिल्क, वेजिटेबल, ग्रेन्स, बार्ले, फ्रूट्स, और कभी कभी मीट भी। एक सोमा थी, मतलब एक कह सकते हो पवित्र, जो आप कह सकते हो ड्रिंक थी, जिसको वो किसी रिलीजियस सेरेमनी के अकॉर्डिंग या रिलीजियस फंक्शन कह सकते हो, उसको वो कंज्यूम किया करते थे। म्यूज़िक के बड़े शौकीन थे, डांस के भी शौकीन थे। डाइस एक पॉपुलर गेम थी उस वक्त ही, हंटिंग हो गया, हॉर्स रेसिंग हो गया, ये इनके पॉपुलर स्पोर्ट्स थे, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको समझनी चाहिए और आपको याद रहनी चाहिए, और इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। आर्यन जो थे वो अच्छे वॉरियर, अच्छे योद्धा भी थे। उनके मेन वेपन्स जैसे तीर कमान हो गया, स्वॉर्ड्स हो गए, एक्सिस हो गया, ये सारी चीज़ें उनके मेन जो कहते हैं ना वेपन वो थे। अपने आप को बचाने के लिए, लड़ाई में बचाने के लिए वो वॉर के मेटल प्लेट्स यूज़ करते थे, आर्मर का कोट यूज़ करते थे, जैसे मतलब हेलमेट वगैरह हम कहते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स, इस तरह का सिस्टम हेलमेट्स वो वगैरह यूज़ करते थे। देखो कितनी पुरानी बात है और हम तब की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ यूज़ किया करते थे तब, ठीक है। आर्यन जो थे वो बेसिकली कैसे थे, कैटल हेडर्स थे, मतलब वो क्या थे, जो पशु कहते हैं ना पशु चारा, उस पर डिपेंड रहते थे, ठीक है। ये मेन सोर्स था उनके वेल्थ का। अब कोई आदमी कितना अमीर है, कितना वेल्दी है, वो कैसे पता लगता था, उसके पास कितने कैटल हैं, उसकी हेल्प से हम बताते हैं वो ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा गरीब है, ठीक है। वो और यहाँ पे कई जो लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, वो कौ गायों को लेकर कई सारी लड़ाइयाँ भी यहाँ पर हो चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, अर्ली वैदिक एज की। वहाँ पे जो लोग थे, वर्शिप किसकी करते थे, पूजा किसकी करते थे, नेचर की पूजा करते थे। जैसे इंदिरा की पूजा करते थे, जैसे अब वो कहते थे गॉड ऑफ रेन, वायु की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, सूर्य की, वरुणा जैसे पानी की पूजा करते थे, सोमा जो प्लांट्स के देवता उनकी पूजा करते थे, यमा जो डेथ मतलब यमराज हम कहते हैं उनकी पूजा किया करते थे। उनके किसी भी तरह के वहाँ पे हमें टेम्पल नहीं मिले, इतना वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर मैंने बात की थी कि देखो आर्यन जो थे वो पशुओं पर डिपेंड करते थे, जबकि हमने इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन बढ़ा, वो तो इससे पहले थी। अगर इतना सही सिस्टम था, पूरे टाउन वेल डेवलप्ड थे वहाँ पे, इतना अच्छा वहाँ पे वो क्या कहते हैं ट्रेड भी करते थे, तो उसके बाद ये सब कैसे हो गया, मतलब उसके बाद वो इतना बड़े ट्रेड कर रहे थे, उसको कैटल रेडिंग में वो कहाँ से आ गए, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। कई सारे रीजन कहे जाते हैं, कुछ कहते हैं कि वहाँ पे बीमारी फैल गई थी जिसके कारण सारे मर गए थे, कुछ कहते हैं वहाँ पे बाढ़ आई थी जिसके कारण सब कुछ खत्म है, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ खत्म हो गया था तभी ये दोबारा से ये सब कुछ स्टार्ट हो गया था, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं, हम चार वेद के बारे में पढ़ते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद सबसे जो पुराने वेद हैं उनमें से सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद ही है हमारे पास। इसमें 1028 हाइम्स हैं। हाइम्स मतलब ये क्या है, कई सारी प्रेयर्स हैं जो कई सारे साधुओं ने कही थी, या पोइम है, या फिर कुछ कह सकते हो आप कि कुछ श्लोक हैं, वो सारे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो डायलॉग के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ डायलॉग्स डायलॉग के फॉर्म में, कुछ हाइम्स हमारे पास, टोटल ये 1028 है हमारे पास। ठीक है, अब हम ऋग्वेद के हमारा हमने समझ लिया। ऋग्वेद के बाद सामवेद आता है। देखो अर्ली वैदिक एज में हमने ऋग्वेद के बारे में लिखा था, और जो लेटर वैदिक एज है उसमें ये जो तीन वेद हैं ये लिखे गए थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, ये लेटर वैदिक एज में लिखे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, इससे पहले कई हज़ारों सालों तक क्या रहा कि जो वेद, ये सारी चीज़ें थी, ये लोगों को वर्बली सुनाई जा रही थी, एक आध दूसरे को सुनाता, दूसरे तीसरे को सुनाता था, इस तरह से चलती आ रही थी, लेकिन ये इस वक्त लिखी गई थी, इसलिए हम इसको वैदिक एज भी कहते हैं। ठीक है, लेटर वैदिक एज के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम सामवेद की बात करते हैं। सामवेद में क्या था, जैसे ऋग्वेद में हमारे पास मान लो कोई मंत्र लिखा हुआ है, तो सामवेद में बताया गया कि किस ट्यून में उस मंत्र को हमने बोलना है, उच्चारण करना है उसका। यजुर्वेद में बताया कि हमें वो मंत्र पढ़ते वक्त किस तरह के हमें रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, जैसे हम कहते हैं यवन कर, क्या बोलते हैं उसको, हवन वगैरह करना है, किस तरह से करना है कोई भी मंत्र पढ़ते वक्त, वो यजुर्वेद में बताया गया। अथर्ववेद में बताया कि कुछ सॉन्ग्स हैं या कुछ मंत्र हैं जो कि आपको, जैसे एविल जो आत्माएं कहते हैं उनसे दूर रहने के लिए, बीमारी से दूर रहने के लिए कैसे रहना है, कौन से मंत्र उच्चारण करने हैं, वो सब बताया हुआ है। ठीक है, और इसी वैदिक एज में रामायण, महाभारत, इसके बारे में आपको पता ही है। ब्रह्मणास क्या थे, ये क्या है, कमेंट, आप ऐसे कह सकते हो, तो जो वेद वेदाज है हमारे पास उसके ऊपर कमेंट्रीज हैं। अरण्यास क्या है हमारे पास, ये कुछ हर्मिट्स के लिए जो जंगलों में रहते थे उनके लिए। उपनिषद क्या है, इसमें इंडियन फिलोसफी, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कर्मा, माया, मुक्ति, इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लेटर वैदिक एज के टाइम की, कि वहाँ पे क्या था उस वक्त। देखो वो गंगेटिक वैली की तरफ आके सेटल हो गए थे, उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने क्या जो भी फॉरेस्ट थे वो कट किया, जलाया, जो भी किया, उसके बाद उन्होंने खेती बाड़ी वहाँ पे, कल्टीवेशन वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे वुमेन्स की जो पोजीशन थी वो थोड़ी सी गिर चुकी थी, उनको मतलब इतना था कि उनको वेद पढ़ने के लिए भी मना कर दिया गया था, उनको अलाउ ही नहीं करते थे कि तुम वेद पढ़ सकते हो। और कॉमन ऑक्यूपेशंस की बात करें, वहाँ पे वीविंग हो गया, पॉटरी मेकिंग, कारपेंट्री, ज्वेलरी मेकिंग, ये उनके कॉमन जो व्यवसाय थे, कॉमन काम थे उनके। आर्यंस ने अब गॉड्स के जैसे शिवा हो गया, विष्णु हो गया, ब्रह्मा, इनकी पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे कहता लेटर वैदिक एज में जो सेक्रीफाइसेस थे, रिचुअल्स थे, कर्मकांड आप कह सकते हो, वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गए थे, और ज़्यादा एक्सपेंसिव बन चुके थे। अगर डिस्टेंस को मेजर करने की बात करें तो गव्युति उसकी मेजरमेंट की यूनिट थी, और गोदती जो हमारे पास वो टाइम मेजर करने की यूनिट थी। इतना आपको समझ आ गया होगा अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में आपको डिफरेंस यहाँ पर समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चार चीज़ें थी, चार पार्ट्स में सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ था, ब्राह्मण्स, क्षत्रिया, वैश्य और शूद्रा। अगर हम बात करें अर्ली वैदिक एज की, यानी कि जब ऋग्वेद लिखा गया था तब हमारे पास क्या था, तब ब्राह्मण किन्हें कहते थे, जो भी पुजारी हैं, जो भी पढ़ाते थे या पूजा वगैरह इस तरह के जो भी थे, प्रीस्ट थे, उन्हें ब्राह्मण्स कहा जाता था। क्षत्रिय किसे कहा जाता था, जो भी योद्धा होगा, जो भी लड़ाई करेगा उसे वॉरियर कहा जाता था। वैश्य किसे का, जैसे फार्मर हो गया, मर्चेंट हो गया, उनको वैश्य कहा जाता था। शूद्र किसे को कहा जाता था, जो भी जैसे नौकर हो गए वगैरह, इनको शूद्राज कहा जाता था। लेकिन लेटर वैदिक एज की बात करें सब कुछ चेंज हो गया था। अर्ली वैदिक एज में क्या था, कोई भी पढ़ा रहा है, अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण का बेटा अगर लड़ाई करना स्टार्ट कर देगा, वॉरियर बन जाएगा, योद्धा बन जाएगा, तो वो क्षत्रिय हो जाएगा, वो ब्राह्मण नहीं रहेगा। अगर कोई राजा है, ज़रूरी नहीं कि उसका बेटा राजा बनेगा, जो भी ब्रेव काम करेगा उसे राजा सेलेक्ट किया जाएगा। लेटर वैदिक एज में क्या हो गया, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा। यहाँ पे काम के अकॉर्डिंग कुछ नहीं था, यहाँ पे जन्म के अकॉर्डिंग था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरह का सिस्टम हो गया था लेटर वैदिक एज में। ठीक है, ये सब आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं इसमें बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म की बात करें, इनके फाउंडर कौन थे, गौतम बुद्ध इनके फाउंडर थे। अगर आपको थोड़ा सा भी बोरिंग लग रहा है, आप जाओ थोड़ा सा पानी पियो, और पानी पीने के बाद फिर से वीडियो स्टार्ट करो, और इस वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आए हो, इस वीडियो को आप देख रहे हो, आप देख रहे हो तभी आप मेरी बातें सुन रहे हो। देखो आप सोच कर आए कि अपने एंशियंट हिस्ट्री को एक ही दिन में कंप्लीट करना है, आपने सोचा है ना, तो आपने इस काम को करना भी है, इस काम को पूरा करो, एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करो, और एक बार उसको रिवाइज करो, फिर 2-3 दिन के बाद रिवाइज करना। ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 दिन के बाद रिवाइज करना, हफ्ते के बाद रिवाइज करना, 2 हफ्ते के बाद रिवाइज करना, पढ़ते जाओगे ना चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे याद रखने की कुछ भी। ठीक है, बुद्धिज्म की बात करते हैं, इनके फाउंडर ऑब्वियसली बात है गौतम बुद्ध इनके फाउंडर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 567 BC में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कपिल वस्तु की बात करें हम, नेपाल में आप कह सकते हो, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेपाल के फुट हिल्स में लुम्बिनी जगह है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना इन चीज़ों को, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इन जो PDF बनाया ना मैंने, इसमें कुछ भी ऐसे फालतू की चीज़ नहीं डाली मैंने, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ लिखा है यहाँ पे।
ये फादर मदर इनके नाम भी पूछे जाते हैं कि इनके फादर का नाम क्या था, शुद्धोधना जो कि साका के रूलर थे, मदर का नाम था महामाया। जब इनका जन्म हुआ था उनके 7 दिन के बाद इनके मम्मा के जो माता जी उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इनको पाला किसने, इनके स्टेप मदर गौतमी ने। गौतमी कौन थे, महामाया की बहन ही थी ये, इन्होंने इनको पाला था। तो इनके इन्होंने पाला था तब इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था, गौतम पड़ा था। इनका पहला नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। इन्होंने शादी की थी यशोधरा से, इन्होंने शादी की थी, इनका बेटा होता जिसका नाम था राहुल। अब क्या हुआ, यहाँ पे कहानी सुना, छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, इंटरेस्टिंग कहानी है। जब ये यंग थे, जवान थे और अपने घर के आसपास, पैलेस के आसपास घूम रहे थे, तब इन्होंने एक ओल्ड आदमी, एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन, एक बीमार आदमी को देखा, एक मरे हुए आदमी को देखा, जिसका इनके लाइफ पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा था, डीप इम्पैक्ट पड़ा था इन पर, ठीक है। इन्होंने सोचा कि यार कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिसके कारण कोई इंसान बूढ़ा ही ना हो, कोई इंसान बीमार ही ना हो, या कोई इंसान मरे ही ना। अगर ये सब कुछ हो जाए तो हर इंसान खुश हो जाएगा, सभी खुश रहना स्टार्ट कर देंगे। वो ये सोचते रहे। उसके बाद इन्होंने देखा कि एक आदमी है, वो बिल्कुल काम है, शांत बैठा हुआ है, जिसको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। मतलब एक सन्यासी इन्होंने देखा कि जिसको किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन में आ गया कि एक तरफ लोग दुखी हो रहे हैं और एक तरफ ये बंदा जो है वो बिल्कुल आराम से बैठा हो, किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं इसको। तो वो ये सब कुछ उनके दिमाग में घूमता गया और ये सोचने लगे कुछ ना कुछ किया जाए, मतलब कैसे लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। वो चीज़ चक्कर वो उन चीज़ों में पड़े हुए थे ये। तो इन्होंने अपना पैलेस जो 29 एज में छोड़ दिया। ये क्या हुआ, चना जो इनका सारथी था, जो चैरिटी घोड़ा मतलब रथ चलाता था, उनको उनके साथ गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तभी मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, चना नाम लिखा है इनका, पूछा गया था, ठीक है। और उनका घोड़ा था, फेवरेट हॉर्स था कंथक, जिसका नाम था कंथक हॉर्स, और अपने जो चैरिटर सारथी था उनके साथ तक गए थे। चना आगे इनको कहा था कि मुझे आगे तक छोड़ कर आओ, ठीक है। क्यों गए थे, वही सच्चाई की जो सच क्या है उसके बारे में सोचने के लिए गए थे। 6 साल तक घूमते जाके हम समझेंगे, 6 सालों तक इन्होंने क्या कि अपने आपको टॉर्चर किया था वहाँ पर, ठीक है। जो भी आभूषण वगैरह थे वो सब कुछ छोड़ दिया, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ अपने सारथी जो था इनका चना उसको दे दी थी वहाँ पर, और अकेले चले गए थे। 6 सालों तक इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से टॉर्चर किया था। इन्होंने उसके बाद देखा, यार मैंने भूखा भी रहा, व्रत भी रखे, अपने आप को पीड़ा भी दी, पना दर्द भी दिया, सब कुछ यूजलेस रहा, कुछ मुझे मिला नहीं, अब क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये जा रहे थे ना वहाँ पर, मतलब आप कहते हो सत्य की खोज कह सकते हो, उसके लिए जा रहे थे, इनको रास्ते में 5 डिसिपल्स मिले थे, मतलब 5 लोग मिले थे जो इनसे प्रभावित हुए थे और उनके डिसिपल बन गए थे। इनके नाम भी कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, जिनका एक नाम था कोंडाना, वापा, बढ़िया, महानामा, ऐसा क्या ऐसे इनके कुछ नाम थे, या पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इन्होंने उनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि कहा कि यार ये तो आदमी जो है, ये बंदा जो है, ये जा रहा था कि सत्य की खोज के लिए, उस व्रत वगैरह रखता, इन्होंने व्रत रखने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया है, तो इनका क्या फ़ायदा फिर, हम इनके डिसिपल क्यों बने। तो इन्होंने इनको छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये अपने काम पे लगे रहे, इन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया था, मतलब खाना पीना उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। तो इनको निर्वाण प्राप्त कब हुआ था, 35 की एज में, तब ये गया में थे, जो कि बिहार में आपको पता है पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उस पेड़ को उस जगह पर आज के टाइम पर टेम्पल, जिसे महाबोधि टेम्पल कहा जाता है, निर्वाण अचीव हुआ था। इसका मतलब क्या है कि निर्वाण का मतलब, निर्वाण एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर आपको मतलब आपके आसपास क्या, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, वैसी स्टेज आ जाती है ना, जब आपको किसी की डिज़ायर ही नहीं, किसी की आपको चाह ही नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या आसपास कोई मर रहा है जी रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चीज़ इनको अचीव हो गई थी 35 की एज में, ठीक है, उसे हम निर्वाण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, उनको सब कुछ समझ आ गया था कि ज़िंदगी का क्या सच है, जो भी चीज़ें को सब कुछ समझ आ गया था। उसके बाद ये सारनाथ गए थे, जो कि वाराणसी के पास है, जहाँ पे अपना फर्स्ट सरमन दिया था, कौन सी जगह, डियर पार्क थी वहाँ पे, वहाँ पे दिया था, ठीक है। जो इनका फर्स्ट सरमन था, जहाँ पे इन्होंने उपदेश वगैरह दिए थे, उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, या फिर टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ, उसे ये भी नाम दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने बताया 4 सचें, 4 सच इन्होंने क्या बताए थे। सबसे पहला इन्होंने बताया कि ये जो दुनिया है ना, पूरा संसार है, ये दुखों से भरा हुआ है और लालची है, लालच से भरा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या किसी न किसी का दुख रहता ही है। पहला सच इन्होंने ये बताया। दूसरा सच इन्होंने क्या बताया कि जो भी पेन है, जो भी ये मिजरी है, लालच लालच है, जो भी इसका मेन कारण क्या है, इनका मेन कारण है डिज़ायर, कि हम लोगों को इच्छा होती है, कोई ना कोई हम इच्छा रखते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तभी हम दुखी होते हैं, तभी हमें लालच और बढ़ती है। दूसरा सच इन्होंने ये बताया। तीसरा सच बताया उन्होंने कि जो दर्द है और ये लालच है, इसको हम कंट्रोल ख़त्म कर सकते हैं पूरी तरह से। कैसे ख़त्म कर सकते हैं, अपने डिज़ायर्स को ख़त्म करके, या फिर डिज़ायर्स को कंट्रोल करके। और फोर्थ ट्रूथ उन्होंने बताया कि डिज़ायर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं 8-फोल्ड वाला पाथ यूज़ करके, वो अभी आपको बताऊंगा। 4 सच आपको समझ आ गया होंगे कि ज़िंदगी क्या थे, ठीक है। 8-फोल्ड पाथ क्या था, कि जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, निर्वाण प्राप्त कर सकते हो, या फिर अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल कर सकते हो। वो क्या था,
राइट फेथ मतलब सच्चा विश्वास होना चाहिए, सच्ची सोच होनी चाहिए, अच्छे एक्शन होने चाहिए, सच्चा लाइवलीहुड जीवन यापन होना चाहिए, अच्छे एफर्ट्स होने चाहिए, अच्छी स्पीच होनी चाहिए, राइट रिमे अच्छी नहीं मतलब सही स्पीच होनी चाहिए, सही रिमेम्बरेंस मतलब आपकी यादाश्त मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं रिमेम्बरेंस सही होनी चाहिए, कंसनट्रेशन आपकी सही होनी चाहिए। ये 8 चीज़ अगर फॉलो करोगे, सब कुछ सही रखोगे 8 चीज़ें, तो आपके डिज़ायर्स की आपको टेंशन ही नहीं, डिज़ायर्स रहने नहीं आपके। और इनकी डेथ कब हुई थी, 483 BC में कुशीनगरा में। अब इनकी डेथ के बाद इनकी काउंसिल्स रखी गई थी, मतलब कई सारे जो लोग थे बुद्धिस्ट लोग थे वो सारे इकट्ठे हुए थे और कई सारी काउंसिल्स अरेंज की गई थी वहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट काउंसिल यहाँ पे कोई बुद्धा की लाइफ में क्वेश्चंस कहाँ पे उनके मदर का नाम, फादर का नाम, बेटे का नाम, ये सब कब वो पैलेस छोड़ के गए थे, किसके साथ गए थे, और एक काउंसिल से क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, राजगृह में 483 BC में। कौन से किंग तब अजात शत्रु किंग थे, चेयरमैन कौन थे, महाकसापा। ठीक है, सेकेंड काउंसिल कहाँ पे हुई थी, वैशाली में। फर्स्ट काउंसिल थी राजगृह में, किंग थे अजात शत्रु, सेकेंड काउंसिल थी वैशाली में, किंग थे कालाशोका, चेयरमैन ये रहे आपके सामने। थर्ड काउंसिल कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, किंग थे अशोका। फोर्थ काउंसिल कश्मीर में हुई थी, ठीक है, किंग थे कनिष्का। इतना आपको समझ आ गया। बुद्धिस्ट और लिटरेचर हमें कौन सी लैंग्वेज में मिलता है, यह हमें पाली लैंग्वेज में मिलता है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जो टीचिंग्स थी ना बुद्धा की, जितने भी टीचिंग्स थी वो 3 बुक्स में ही हैं, एक है विनय पिता का, सुत्त पिता का, और अभिधमना अभिधमा पिता का। इन सभी बुक्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो उनको त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध के बाद देखो जब इनकी डेथ हो गई थी, बुद्धिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक था हिनायना, मेन बात करें मेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हुआ था बट मेन 2 थे, एक था हिनायना एक था महायना। हिनायना में कह रहे जो 4 नोबल ट्रूथ इन्होंने बताए थे बुद्धा ने, गौतम बुद्धा ने, उनके पर वो विश्वास करते थे, और महायना वाले क्या थे, उन्होंने बुद्धा को भगवान मानकर भी पूजा करना स्टार्ट कर दी, कुछ रिचुअल्स उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे, जबकि बुद्धा ने ये चीज़ों के लिए मना किया था, उन्होंने कभी नहीं कहा कि कभी मुझे भगवान बनाओ या कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करो, इन सब के लिए उन्होंने मना किया था, बट महायना वाले लोग इन चीज़ों को मानते थे। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके थे बुद्धिज्म के बाद। ठीक है, तो ये रीज़न था कि बुद्धिज्म डिक्लाइन भी हो गया था धीरे धीरे, और दूसरी एक रीज़न और था मेन की पाली लैंग्वेज का यूज़ था, वहाँ पर लोग संस्कृत वगैरह यूज़ करते थे और पाली लैंग्वेज लोगों को पढ़ने में डिफिकल्टी थी, लोग समझ नहीं पाए, दूसरों तक पहुंच नहीं पाई बातें, तो ये भी रीज़न थे कुछ। ठीक है, बुद्धिज्म के बाद हम पढ़ते हैं जैनिज्म के बारे में, इतना आपको समझ आ गया, जैनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। जैनिज्म देखो, कोई ऐसा इंसान जिसको लालच या फिर अपने ईगो या फिर गुस्से पर जिसने कंट्रोल कर लिया उसको जिना कहा जाता है, और जो जिना के फॉलोअर्स थे उन्हें जैन्स कहा जाता है। देखो अगर हम बात करें अभी तक हमें 24 तीर्थंकरास या फिर जैन्स रह चुके हैं, सभी जो है क्षत्रिय थे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जो जैन थे उनका नाम था ऋषभनाथ, जिन्हें फाउंडर भी कहा जाता है जैनिज्म का, जिनका एम्बलम था बुल। 23rd थे पार्श्वनाथ, जिनका एम्बलम था स्नेक, और 24th थे वर्धमान महावीरा, जिनका एम्बलम था लाइन। बाकी के जो बीच के थे उनके बारे में ज़्यादा हमें डिटेल्स पता नहीं लगती है, तो इसलिए हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, मेरा वर्धमान महावीरा के बारे में पढ़ते हैं, जिनका एम्बलम था लाइन। ठीक है, फाउंडर ऋषभनाथ थे, बट जो सबसे ज़्यादा उसको फैलाया था वो किसने फैलाया था, अपने जो जैनिज्म था वो किसने इसका प्रचार किया था या एक्सटेंड किया था, वो थे वर्धमान महावीरा। इनका जन्म कब हुआ था, 599 BC में कुंदग्राम में वैशाली के पास, जो कि बिहार में पड़ता है। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, मदर का नाम त्रिशला, वाइफ का नाम यशोदा, डॉटर का नाम प्रियदर्शना। 30 एज में जब इनके पेरेंट्स की डेथ, 30 की एज थी इनकी, इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, उसके बाद आप कह सकते हो तो सन्यासी बन गए थे ये। 72 की एज में इनकी डेथ हो गई थी, कहाँ पे हुई थी, पटना में हुई थी। और डेथ के बाद, इनके डेथ के बाद जैनिज्म जैसे वहाँ पे बुद्धिज्म था वैसे जैनिज्म भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक था दिगंबराज एक था श्वेतांबराज। दिगंबराज वो थे जो नेक्ड रहते थे और श्वेतांबराज वो थे जो वाइट कपड़े पहनते थे, जबकि जैनिज्म का मानना था, इनका ये मानना था कि कपड़े वगैरह नहीं पहनने चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए पूरी तरह से, और लास्ट में जो है वो मतलब लाइफ को उन्होंने 3-4 स्टेजेस में डिवाइड किया था कि पहले स्टेज में ये करो, दूसरे स्टेज में ये करो, जो एंड स्टेज होगी वहाँ पर आप सब कुछ त्याग दो और खाना भी छोड़ दो, स्टारवेशन मतलब भूख, धीरे धीरे खाना कम कर करके आप जो है आप कहते थे डेथ अचीव कर लो, अटेंड कर लो। ठीक है, वो कहते थे मुक्ति में ले लो, मतलब ऐसा कहा जाता था। इनकी टीचिंग्स मैंने क्या थी, अहिंसा हो गया, सेल्फ सेक्रीफाइस हो गया, वर्चुअस लाइफ अगेंस्ट रिचुअल्स के खिलाफ थे, सेक्रीफाइस के खिलाफ थे, कहते थे तीर्थंकरों की वर्शिप करो, सिर्फ कास्ट सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ नहीं थे। इनके बाद भी कई 2 काउंसिल हुई थी, जैसे वहाँ पे बुद्धिज्म के 4 काउंसिल हुई थी, इनके 2 काउंसिल हुई थी। फर्स्ट काउंसिल की बात करें पाटलिपुत्र में हुई थी 3rd सेंचुरी के बिगिनिंग में, और सेकेंड काउंसिल जो है वल्लभी गुजरात में हुई थी। इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं मगध एम्पायर, एंशियंट हिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास मगध एम्पायर रहता है। मगध एम्पायर देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, का हरेंका डेंसिटी, शुशुनाग डेंसिटी, नंदा डेंसिटी और मौर्य डेंसिटी। इतना क्लियर हो गया, वन बाय वन स्टडी करेंगे एंशियंट हिस्ट्री में, इससे भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम हरेंका डेंसिटी की बात करें, देखो ये किसने फाउंड की थी, एक्चुअली में हरेंका डेंसिटी में हमेशा बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इनके फाउंडर कौन थे, इनके ग्रैंड फादर जिनका नाम था ब्री
बृहदारा था, इनके एक्चुअली में फाउंडर थे, लेकिन बिंबिसार के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा उसको एक्सटेंड किया था। कैपिटल कौन सी थी? राजगीर, या जिसे गिरवराज भी कहा जाता था। क्या हुआ था बिंबिसार ने, क्या हुआ था, अंगा जो था हमारे पास महाजनपद, उसको पूरी तरह से जीत लिया था, अपने वश अंडर कर लिया था। तीन बीवियाँ थी इनकी, कौशला, वैशाली और मादरा, और ये बुद्धा के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे थे अभी तक, बिंबिसार की। इनके बाद आए अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन थे? इनके बेटे ही थे, इन्होंने अपने बाप को मार दिया था। हुआ क्या था एक्चुअली में, अजातशत्रु के बाप आपको बताया बिंबिसार, ये बुद्धा के बहुत बड़े भक्त थे। जब बुद्धा, जो गौतम बुद्ध की हमने बात की, वो जब सच्चे सत्य की खोज में निकले थे, तो वो बड़ा उनसे प्रभावित हुए थे, उनसे बिंबिसार से। बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध से बड़े प्रभावित हुए थे, तो उनके एक दुश्मन थे, मतलब आप कह सकते हो, जैसे जिन्होंने भड़काया था जाय शत्रु को, उनके भड़काने, उन्होंने जब भड़काया जाय शत्रु को, तभी उन्होंने उनको मारा था। ठीक है, तो अजात शत्रु ने क्या किया था, वैशाली और कौशालों को अपने टेरिटरी में शामिल कर लिया था। जब वो गए थे ना, मतलब सत्य की खोज के लिए निकले थे गौतम बुद्ध, तो उनको कहा था अजात शत्रु ने बिंबिसार ने कि जब आपको सत्य के बारे में पता लग जाएगा तो मुझे भी बताना। तो सबसे पहले वो उनके पैलेस में आकर उनको बताया था इन्होंने, गौतम बुद्ध ने। ठीक है, हाँ, अब क्या हुआ, इन्होंने अजातशत्रु ने क्या किया, वैशाली और कौशाला को भी अपनी टेरिटरी में ऐड कर लिया। अंग को तो पहले ही कर लिया था बिंबिसार ने, इन्होंने वैशाली और कौशाला को भी अपनी टेरिटरी में ऐड कर दिया। और बुद्ध, गौतम बुद्ध की डेथ इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुई थी। ठीक है, और इन्होंने ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज की थी, हालांकि ये खिलाफ थे स्टार्टिंग में गौतम बुद्ध के, क्योंकि आपको मैंने बताया भड़का रहा था वो इनको, तो स्टार्टिंग में खिलाफ थे, लेकिन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी इन्होंने अरेंज की थी। क्यों अरेंज की थी? क्योंकि जब एक बार गौतम बुद्ध इनको मिले थे, इन्होंने कुछ बातें की उनसे, और उनके आंसर से बड़ा ये प्रभावित हुए थे, अफेक्टेड हुए थे, तो उनको अच्छा लगा कि हाँ ये बंदा सही है, काफ़ी चीज़ें प्रभावित हुई थी उनकी उनसे, तो इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी इन्होंने अरेंज की थी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था चार काउंसिल्स के बारे में, तो पहले इन्होंने अरेंज करवाई थी। उसके बाद आया उदयन, ये कौन थे, आगे अजातशत्रु के बेटे थे, इन्होंने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दी थी। उनके बाद थे मगध देश का जो लास्ट रूलर थे ना हरंक डेंसिटी के, वो मगध शाखा थे। अब ये थे हरंक डेंसिटी। इसके बाद हम बढ़ते हैं शिशुनाग डेंसिटी के बारे में, इसके फाउंडर कौन थे, शिशुनाग। शिशुनाग एक्चुअली में क्या थे, हरंक डेंसिटी में जब वो लास्ट हमने बात की ना यहाँ पर मगध दशका की, तो इनके टाइम पे वहाँ पे मिनिस्टर थे, तो बाकी जो मगध दशका के जो बेटे वगैरह थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, तो लोगों ने इनको चुन लिया, तो ये बने थे वहाँ पे मिनिस्टर। तो इन्होंने कैपिटल कहाँ पे चली गई थी, राजगीर में। फिर से कुछ सोर्सेस इंडिकेट करते हैं कि इन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल भी रखी थी जो कि वैशाली में थी। ठीक है, आगे कौन आया, इनका बेटा आया कालाशोका, तो इन्होंने फिर उसने क्या कर दिया, पाटलिपुत्र में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी। और जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो पाटलिपुत्र में थी, कब, तब के कौन थे, कालाशोका थे, अभी हमने पढ़ा भी था। ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग इनके 9 से लेकर 10 बच्चे थे जिनको आगे नंदा डेंसिटी वालों ने पीछे कर दिया था। हमने पढ़ा हरंक डेंसिटी के बारे में, हमने पढ़ा शिशुनाग डेंसिटी के बारे में, अब हम पढ़ते हैं नंदा डेंसिटी के बारे में। नंदा डेंसिटी के फाउंडर कौन थे, महापद्मनंदा। ठीक है, जिन्हें उग्रसेन भी कहा जाता था। इनके सबसे पावरफुल जो आप कह सकते हो ना अभी तक के यही राजा थे, क्योंकि इनके एक तो लोकेशन बड़ी सही थी जहाँ पे ये रहते थे, जहाँ पर इनकी लोकेशन थी, मतलब महल था, वो लोकेशन बड़ी सही थी, और 2 लाख के करीब इनकी इन्फेंट्री थी, मतलब जो सैनिक वगैरह सोल्जर कह सकते हो, 60,000 के करीब कैवलरी थी, और 60,000 के कारण के करीब इनके वॉर एलिफेंट्स भी थे। ठीक है, तो इनको कहा जाता है कि पहली नॉन क्षत्रिय डेंसिटी जो थी ना वो यही थी। इन्होंने अपने कलिंग को भी अपने एम्पायर में शामिल कर लिया था, और नंदा किंग जो थे वो टोटल 9 थे नंबर में, टोटल 9 वो थे, लास्ट रूलर जो थे इनके वो धना थे, अलेक्जेंडर ने के टाइम पीरियड में अटैक किया था। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मौर्य डेंसिटी के बारे में, इनके फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता है चाणक्य की बात, आपको आपने स्टोरी सुनी होंगी, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके फाउंडर थे। चाणक्य की हेल्प से, यानी कि कौटिल्य भी आप कह सकते हो, उनकी हेल्प से उन्होंने नंदास को पीछे भगा दिया था। मेन रीज़न क्या था कि उनको, जो चाणक्य थे उनको पता लगे थे कि अलेक्जेंडर जो है वो बड़ा ही स्ट्रांग बंदा है और ये अटैक करने की कोशिश कर रहा है, और अगर नंदा जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं है तो वो क्या करेगा, अलेक्जेंडर धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी अपना कब्जा करना स्टार्ट करेगा। तो तभी इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था और नंदास को हरा के अपना राज्य स्थापित किया था वहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पावरफुल रूलर थे यहाँ पे अभी तक के ये। इन्होंने लास्ट में बट किया हुआ जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था, और ये मैसूर में गए थे, और जहाँ पे किसके साथ गए थे, भद्रबाहु के साथ गए थे, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, और स्लो स्टार्वेशन से, मतलब खाने में छोड़ देते धीरे धीरे, जैसे कि जैनिज्म में कहा जाता है, और उसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे बिंदुसार के बारे में। ठीक है, हमने अभी पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, फिर बिंदुसार कौन थे, इन्हीं के बेटे थे, चंद्रगुप्त के मौर्य थे, चाणक्य इनके टाइम पर भी मिनिस्टर थे, और बिंदुसार को कई ग्रीक राइटर हैं जो इनको अमित्रगार्ड भी कहते हैं। अमित्रगार्ड क्यों, क्योंकि जब भी ये किसी को मारते थे उसका गला ही काट देते थे, इसलिए इनका नाम अमित्रगार्ड भी रखा गया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं अशोका के बारे में। देखो अशोका कौन थे, आगे बिंदुसार के बेटे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, फिर हमने पढ़ा बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमने पढ़ा यहाँ पे इनके बारे में, बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार के बाद हमने पढ़ा अशोका के बारे में। ठीक है, अब अशोका कौन थे यहाँ पे हमारे पास,
अशोका जो थे, देखो यहाँ पे कौन थे, जब सॉरी बिंदुसार जो थे इनके फादर थे, इन्होंने इनको उज्जैन और तक्षशिला का वायसराय बना के रखा था। जब बिंदुसार की डेथ हुई ये उज्जैन में थे, और इनका जो राज्याभिषेक होता है ना, कॉरोनेशन, आप क्या कॉरोनेशन कहते हैं, वो 4 साल तक डिले रहा। क्यों डिले रहा? क्योंकि ये कह रहे थे कि जब मैं अपने सभी भाइयों को मार लूंगा उसके बाद ही अपना कॉरोनेशन या राज्य तिलक करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कोई भी कभी भी विद्रोह कर सकता आके। तो उन्होंने सबसे पहले सभी भाइयों को मारा, उसके बाद इन्होंने अपना राज तिलक करवाया था। ठीक है, अशोका जो थे वो फिर बुद्धिस्ट बन गए थे, उपागुप्त के अंडर उनके जब बातें सुनी तो वे बुद्धिस्ट बन गए थे। कलिंग वार 261 BC में उन्होंने पूरा एटीट्यूड को चेंज कर दिया था और ये बुद्धिस्ट बन चुके थे। ठीक है, फिर अपने बेटे महिंद्रा को और जो उनकी बेटी है संगमिता को, उनको बर्मा में और इस तरह से वो साउथ ईस्टर्न रीजन में भेजा था ताकि वो बुद्धिज्म का प्रचार कर सकें। और अशोका की बात करें, इन्हें बुद्ध शायका, धर्मस का, देवनम्पिया, पिया दासी, कई सारे नामों से भी बुलाया जाता है। तो यह यहाँ पर हमारी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। 35 मिनट में आपकी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट है। इंडियन पॉलिटी भी आप देख लो, अगर आपने वो नहीं समझा, आपने इंडियन पॉलिटी भी को पूरी कंप्लीट है। किसी भी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना ज़रूर। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो जरूर शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद।